हेलो एवरीवन, होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट कैसे स्पोर्ट्स हब ऑफ इंडिया बनता जा रहा है। हम समझेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स को लेकर लोगों में कैसी सोच रही है शुरू से ही, और वहाँ का स्पोर्ट्स कल्चर कैसा है, इस चीज़ को हम एनालाइज करेंगे। तो इससे पहले हम लोग एक बार वहाँ के वेल नोन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की सबसे फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ में से एक हैं जो सबसे पहले आती हैं, MC मैरी कॉम, जिन्हें ऑब्वियसली कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बाईचुंग भूटिया, जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, और उसके बाद सरिता देवी, 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल पदक विजेता हैं वो। उसके बाद जयंत तालुकदार, उसके बाद संजीता चानू, और उसके बाद कई खिलाड़ी हैं जैसे लारेम सामी, जो हॉकी की खिलाड़ी हैं, मिजोरम से आती हैं, सुशीला लकिम्बम, जो मणिपुर के खिलाड़ी हैं, जूडो को खेलती हैं वो, इस बार भी टोक्यो 2020 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद संगलापम, निकोल कांता, साइकॉम, मीराबाई चानू, इनके बारे में भी कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। इस बार टोक्यो 2020 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और होप ये गोल्ड भी ले आएंगे। और उसके बाद इनके बारे में, ये वेट लिफ्टर हैं और इन्होंने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था, सिल्वर जीता था ग्लासगो 2014 में, और गोल्ड जीता था वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2017 में। इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। उसके बाद सुशीला चानू हैं, जो कैप्टन हैं इंडियन वुमेन टीम की, इंडियन हॉकी वुमेन टीम की, ये भी मणिपुर से आती हैं। तो ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो मणिपुर से आते हैं और पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि मणिपुर में ऐसा क्या है कि वहाँ पर स्पोर्ट्स को लेकर के इतनी ज़्यादा मोटिवेशन है, इतनी ज़्यादा डेडिकेशन है। तो हम लोग देखते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में 3.7% ही टोटल पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन है नॉर्थ ईस्ट का, जिसमें विशेषकर वहाँ के जो युवा हैं वो खेल को लेकर के काफ़ी उनका झुकाव है स्पोर्ट्स को लेकर के। और इसमें हम लोग देखते हैं कि 2016 के रियो ओलंपिक में जो नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ी थे वो 6.72% उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था। हम लोग अक्सर देखते हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न प्लेयर्स हमारे जो स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं उसमें बने रहते हैं, बल्कि वो डोमिनेंस करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि एज ऑफ 9 मार्च 2017, यानी 9 मार्च 2017 तक, जो साई हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने लगभग 13,684 बच्चों को, टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रेनिंग दी, जिनमें से 9,653 बॉयज़ थे और 4,031 जो थी वो गर्ल्स थी। तो हम लोग देखते हैं कि फिर इनमें से जो 4,041 फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन जो थी, उनमें से 22.3%, यानी कि 4,031 में 901 जो गर्ल्स ट्रेनी थी, उन्हें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही ट्रेनिंग दी जा रही थी, जैसे अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा में ही उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो हम लोग देखेंगे कि देश में साई की 14 क्षेत्रीय फुटबॉल एकेडमी जो है उसमें से एक इम्फॉल में है। और अब हम देखेंगे कि 5 जो प्रस्तावित हैं, पॉसिबल जो है, वो NSA यानी नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी जो है, नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी, वो अब सरकारी गुवाहाटी में बनाएगी, जो तीरंदाजी का होगा, यानी आर्चरी का स्टेडियम अभी गुवाहाटी में बनने जा रहा है। तो डॉक्टर अनिल मिली, जो इंटरनेशनल एजुकेशन रिसर्च जर्नल में उन्होंने एक लेख प्रकाशित किया था, उसमें उन्होंने देखेंगे कि उनके 2016 के जो स्टडी थी उसके अनुसार वो कहती हैं असम और मणिपुर में जो सिंथेटिक ट्रैक्स हैं, ऑल वेदर ट्रैक्स हैं, जो हर तरह के कॉम्पिटिशन में काम आते हैं, वो काफ़ी वहाँ का अच्छा एक स्ट्रक्चर है। वहाँ जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं और पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन देता है, वहाँ के खिलाड़ियों को प्रमोट करता है और उनकी एडुकेशन के बारे में भी वो खर्च वहन करता है। वो बताती हैं कि वहाँ पे बच्चों को छोटी उम्र से ही खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोगों की एक आम राय है कि शारीरिक शिक्षा को खेल और कॉलेज के पाठ्यक्रमों में अनिवार्य हिस्से से लागू किया जाना चाहिए। जैसे हम इंडिया में हमेशा डिमांड करते रहते हैं कि स्पोर्ट्स को एकदम मैंडेटरी कर देना चाहिए स्कूल्स और कॉलेज में, तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफ़ी ये पॉपुलर है, वो वहाँ पे वो बहुत हद तक वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और जो उनकी आम सहमति है वो भी यही। तो अब देखते हैं कि उनका मानना है कि देश के अन्य राज्यों के विपरीत, जहाँ खेल और खेल को समय की बर्बादी और पढ़ाई से विचलित करने वाली वाली चीज़ें मानी जाती हैं, वहाँ खेलों से उनके योजनाओं को संग्राम विकास होता है। वहाँ ये मानते हैं कि वहाँ पे खेलों से उनका जो है ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो होता है। तो डॉक्टर मिली के अध्ययन के अनुसार पता चला कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड में 82.77% जो रिस्पोंडेंट हैं, उन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षा और खेल मादक पदार्थों, यानी कि फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स,
वो वहाँ पे जो है लोगों को मादक पदार्थों की लत, HIV, शराब, आतंकवाद और आदि खतरों से रोकने में काफ़ी ज़्यादा सहायक। तुम लोग देखेंगे स्पोर्ट्स पर्सन जो है वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ पे पॉपुलर जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं जो कुछ अचीव कर चुके हैं, उन्होंने जो अपने अचीवमेंट हैं उसको वहाँ पे बाकायदा वो कंट्रीब्यूट किया है वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए। जैसे खिलाड़ियों ने अपनी जन्मभूमि के युवा एथलीटों का समर्थन किया, मार्गदर्शन के लिए अपने समुदायों को लगभग उन्होंने वो सारी चीज़ें वापस कर दी जो उन्होंने सीखा, वो अपने जो है अदर अपकमिंग जनरेशन को उन्होंने सिखाया और उन्हें आगे बढ़ाया। जैसे मैरी कॉम रीजनल बॉक्सिंग फाउंडेशन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। फाउंडेशन छात्रों को मुफ्त आवास और भोजन के साथ फ्री कोचिंग भी देता है। उसके बाद देखते हैं कि ऐसा ही एक उदाहरण बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल की श्रृंखला है। जब बात फंड जनरेट करने की आती है तो हम देखेंगे कि नॉर्थ इंडियन स्टेट जो है वो फर्मली एक यूनिकली स्टैंड अपार्ट, वो अलग ही खड़े होते हैं। हम लोग देखेंगे कि 2016-17 में जो नई स्पोर्ट्स स्कीम लागू की गई थी उसके तहत भी देखेंगे कि वहाँ के बुनियादी ढांचे को विकसित करने और खेल प्रतियोगिताओं का संचालन करने के लिए धन की जो राष्ट्रीय मांग थी वो 8.72%, जैसे कि खेलो इंडिया योजना, जिसे कि खेलो इंडिया योजना भी कहा जाता है, उत्तर पूर्वी राज्यों से ही आया था। यह योजना खेल में लड़कों और लड़कियां में, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को ही एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कलेक्टिव स्पॉन्सरशिप बहुत देती है, प्रोत्साहित करती है। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ के खेल संरचनाओं और सुविधाओं के निर्माण के लिए पूरे भारत में 14 वर्ष से कम और 17 वर्ष से कम आयु के दो समूहों को खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का प्रावधान करती है। यहाँ तक कि पूर्वी भारत में राजीव गांधी खेल रत्न अभियान और अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत 2014-16 से 191.25 करोड़ रुपये जो वह आवंटित किए गए थे, खर्च किए गए थे, एक्सपेंडिचर था, तो राष्ट्रीय मांग का 17.2% जो है वो नॉर्थ ईस्ट से ही आया था। तो हम देखेंगे कि क्या हमें भी पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट को एक एग्जांपल बनाकर फॉलो करना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे युवाओं के मन में आत्मविश्वास, प्रतिस्पर्धा और टीम भावना पैदा करने के लिए माध्यमिक विद्यालय के स्तर पर शारीरिक शिक्षा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बच्चे की शिक्षा में, अगर हम मान लेते हैं कि एक बच्चे की शिक्षा में खेल को शामिल करने से उसका जो है ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, तो हमें वो शामिल करना ही चाहिए और वे अपने क्षेत्रों में बेहतर और बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की मांग में भी बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे। अगर एक बच्चे को हम स्पोर्ट्स में जल्दी डालेंगे तो वो और ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे और वो भी वो डिमांड करेंगे और उनकी वजह से एक बेहतर स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर को हम बना सकेंगे और उनका जो व्यक्तित्व जो है वो विकास होगा और जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। इसलिए देश के अधिक राज्यों को उत्तर पूर्वी राज्यों के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। ना केवल देश का प्रतिनिधित्व करने वाले बेहतर खिलाड़ी पैदा होंगे बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर समाज के निर्माण में हम मदद कर सकेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।